जब हम कुछ भी बनाते हैं तो मन में सबसे पहले यही विचार आता है कि ऐसा कुछ बनाएं जिसे बच्चे भी शौक से खाएं। तो आज हम बनाएंगे बच्चों के पसंदीदा कुरकुरे। आइए बनाते हैं। कुरकुरे बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को गैस ऑन करके गैस पे चढ़ा दिया है। अब हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, साथ में डालेंगे आधा चम्मच नमक, और ये मैंने लिया है 3/4 कप पोहा। इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था और छान लिया था, जिससे जो भी इसमें मोटे मोटे दाने बचे हैं वो अलग से निकाल दिए। साथ में लिया है 1/4 कप बेसन। जब हमने 3/4 कप पोहा लिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 1/4 कप बेसन लेना है, और उसी के अकॉर्डिंग ये हमने पानी चढ़ाया है 1 कप। अब हम इस पानी में थोड़ा थोड़ा करके ये बेसन डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, और इसे इस तरह से चलाते जाएंगे। इसी तरह ये पोहे का आटा भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे चलाते जाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे इस तरह से ही थोड़ा चलाते रहेंगे, जिससे ये चिपके नहीं। पानी भी हमारे एकदम परफेक्ट रहा है। अगर आपके पानी थोड़ा कम हो जाए तो आप अलग से थोड़ा गर्म पानी करके इसमें मिक्स कर लें। अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, जिससे ये थोड़ा ठंडा हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। ये इसमें मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला है। एक बार हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर ज़रूरत होगी तो हम और डाल लेंगे। इसका एक हमें अच्छा सा डो बनाना है। अब हम हाथ पे थोड़ा ऑयल डाल लेंगे, जिससे कि हाथ के ये चिपकेगा नहीं। अब हमें और कॉर्नफ्लावर डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट डो लगा है हमारा। देखिए डो हमारा अच्छे से भीग गया है। अब हम इसको साइड में कर देंगे, और ये मैंने ली है नमकीन बनाने की मशीन। तो इसको खोल के और इसमें ये वाली जाली हम लगा देंगे। थोड़ा सा हाथ में तेल लगा के हम इसे ग्रीस कर लेंगे, जिससे डो इसके चिपके नहीं और अच्छे से हमारे कुरकुरे बन जाए। अभी हमने थोड़ा डो ले लिया है, इसका ऐसे रोल करके इस मशीन में डाल देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। अच्छे से हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया है। अब एक प्लेट लेंगे। अब हम नमकीन बनाने की मशीन को इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से हमारे कितने अच्छे कुरकुरे बन रहे हैं, लग रहे हैं ना अच्छे। देखिए इस तरह से मैंने मशीन से सारे कुरकुरे बना लिए हैं। अब आप इनको फ्राई करेंगे, पर उससे पहले अगर आपके पास सेव बनाने की मशीन नहीं हो तो मैं एक तरह से और बताऊंगी कि आप किस तरह से कुरकुरे बना सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आटा बचा लिया था, अब इसकी हम लोई तोड़ लेंगे इतनी बड़ी। इसको अच्छे से गोल कर लेंगे। अब इसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से भी आप कुरकुरे बना सकते हैं। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। आप कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं वो काम में ले सकते हैं। थोड़ा सा आटा डाल के हम देखेंगे ऑयल हमारा गर्म हो गया क्या। एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद हमें गैस की फ्लेम सिम पे ही कर देनी है। तेल गरम हो गया है, आटा ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें ये कुरकुरे डाल देंगे। धीमी धीमी आँच पे ही हमें इसे तलना है, जिससे ये अच्छे से सिक जाए, और इस तरह हम इसे घुमाते जाएंगे।
इस तरह से एक बैच को तलने में हमें 5 से 7 मिनट तक लग जाते हैं। थोड़ा थोड़ा इनका कलर चेंज होने लगा है, इससे हमें मालूम चल रहा है कि अब इसमें 2 से 3 मिनट और सिकाई में लगेंगे। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। आपको आवाज़ से ही मालूम चल रहा होगा कितने क्रिस्पी बने हैं। इस तरह से मैं ये सारे कुरकुरे तल लूँगी। बच्चों की काफ़ी फेवरेट है ये कुरकुरे, तो आप इस तरह से बना के इनको 1-2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। रोज़ रोज़ आपको मार्केट से लाना नहीं इस पड़ेगा। तरह हम इसे लो फ्लेम में ही तलेंगे। टाइम हमें ज़रूर लगेगा, पर कुरकुरे एकदम टेस्टी बनेंगे। ये हमने इतने सारे कुरकुरे इसमें कढ़ाई में डाल दिए, पर ये आप देख रहे होंगे ये सब अपने आप ही अलग हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। आप ये सोचे कि हम एक साथ डाल रहे हैं ये चिपक जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, और आप आराम से इजीली इसे बना पाएंगे। हमें इसमें और कुछ नहीं करना, हमें तो बस इस तरह से चलाना है जिससे ये चारों तरफ से अच्छे से सिक जाए। कुरकुरे हमने सारे तल लिए हैं, अब हमने एक बोल लिया है, इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच चाट मसाला, बहुत थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच अमचूर, स्वाद अनुसार काला नमक। नमक हमने कम ही डाला है क्योंकि हमने जब पानी बॉईल किया था उसमें भी हमने नमक ऐड किया था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें अमचूर पाउडर डाला है खटाई के लिए, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का सद भी डाल सकते हैं। हमने मसाला अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम गरम गरम कुरकुरे में मसाला डालेंगे। अगर आप मसाला कम पसंद करते हैं तो आप थोड़ा कम डालिए, मैं अच्छे से डाल रही हूँ क्योंकि हमें तो चटपटा ही पसंद है। अभी से हम मिक्स कर लेंगे। एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप इसमें मसाला मिलाएं तो कुरकुरे थोड़े गर्म ही होने चाहिए, ठंडे हो जाएंगे तो आपके कुरकुरों में मसाला अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएगा। तो देख रहे होंगे आप, हमने मसाला अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसको इस तरह से और मिक्स कर देंगे। आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि कितने क्रिस्पी बने हैं, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, जिससे आपके घर में जो भी बच्चे हों खुश हो जाएंगे कि आज तो पसंद की रेसिपी बनाई है। तो लीजिए, तैयार है हमारे चटपटे मसालेदार कुरकुरे, आप भी इसे ज़रूर से बनाएं। मैं तो जब बना रही थी तो मेरा तो बेटा तभी दौड़ता हुआ आ गया, मम्मा खाना है खाना है। तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, जिससे आपके घर में बच्चे भी खुश हो जाएंगे। पसंद आए रेसिपी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कक्कू की किचन को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।